1 week में हो जाएगा आपके बाजुओं का फैट गायब, यानी कि स्लिम आर्म्स इन ओनली 7 days. जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना, जो आपके फ्लैबी आर्म्स और सैगिंग आर्म्स हैं, उन सब की समस्या का हल है मेरे पास. वैसे तो आप जानते ही हैं कि मैं सिर्फ सिंपल और इजी एक्सरसाइजेस से ही वेट लॉस करवाने में माहिर हूँ, और आज मुझे आप लोगों को ऐसी एक्सरसाइजेस करानी है जिससे आपको जो सिर्फ आर्म्स का फैट है उसको हम लोग फोकस करेंगे. दोस्तों, फुल बॉडी वर्कआउट करके हम लोग पूरी बॉडी का अपना वेट लॉस कर लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे अड़ियल हमारी बॉडी के अंदर स्पॉट्स होते हैं जिनको अगर हमने रिड्यूस नहीं किया तो हमारी पर्सनैलिटी बिल्कुल उभर के नहीं आती है, यानी कि आर्म्स. अगर आपको स्लीवलेस पहनना है, अपने आर्म्स को फ्लॉन्ट करना है, अगर आपको कुछ फैंसी कपड़े पहनने हैं, अच्छे अच्छे ब्लाउजेस पहनने हैं साड़ियों के साथ में, तो लाजमी है कि आपके आर्म्स बिल्कुल टोन होने चाहिए. तो अगर आप अपने आर्म्स को टोन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कोई महंगी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, कोई जिम जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये आसान सा होम वर्कआउट जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, सिंपल 5 exercises विद विच यू कैन टोन योर आर्म्स सिटिंग एट होम, उसको करिए और फिर देखिए कितनी जल्दी आपके आर्म्स टोन भी हो जाएंगे और बहुत जल्दी आप अपनी फेवरेट ड्रेसेस भी पहन पाएंगे. वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ फैट कटर फूड्स के बारे में बताऊंगी जिनको खाते ही आपके आर्म का फैट और भी जल्दी मेल्ट हो जाएगा. बॉयज हो या गर्ल्स, स्लिम आर्म किसे नहीं चाहिए, तो आज का वर्कआउट है हमारे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए. जल्दी से इस वर्कआउट को शुरू करते हैं. एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम करेंगे 30 सेकंड का वार्म अप. बड़ा ही आसान है. इस तरह से अपनी मुट्ठियों को बंद करेंगे, जॉइन करेंगे और गोल गोल घुमाएंगे जॉइन करते हुए. जी हाँ, ऐसे नहीं करना, ऐसे जॉइन करके करते रहिए. एंड रिवर्स और शोल्डर रोटेशंस. 2, 3, 4, 5. जल्दी से एक्सरसाइज शुरू करते हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए हम लेंगे 2 बॉटल्स. खाली बॉटल्स के अंदर नॉर्मल पानी भर लीजिए और इस प्रकार से एक W बनाएंगे इन बॉटल्स की मदद से. आप देख सकते हैं हमारी बॉडी एक W की शेप में फॉर्म हो चुकी है. हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने एल्बोज को लॉक करते हुए अपने आर्म्स को ऐसे उठाना है. बहुत ज़्यादा जोर फील होगा आपको अपने आर्म्स में, अपर आर्म्स में. बस इस प्रकार से करना है. आइए साथ साथ करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. अगर आपको लगता है कि ये बॉटल आपके लिए बहुत भारी है तो आप मुट्ठी बंद करके भी कर सकते हैं या फिर एक छोटी बॉटल ले सकते हैं. 8, 9, 10. Well done. बस सुनते इन कुत्तों के सामने मत नाचना. ये डायलॉग तो बहुत पसंद है सबको, लेकिन इस डायलॉग से क्या सीखा? एक्सरसाइज, ऑफ कोर्स. आइए साथ साथ करते हैं. इस तरह से अपने हाथ रखेंगे और प्रिटेंड करेंगे कि बसंती सिर्फ हमारे लिए नाच रही है. ऐसे अपने हाथ उठाएंगे और वापस लेके आएंगे. चलिए साथ साथ करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. धीरे धीरे करिए, जितना धीरे करेंगे उतना ज्यादा जोर पड़ेगा. 8, 9, and 10. हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते, हमें पता भी नहीं चलेगा. आइए जल्दी से थर्ड एक्सरसाइज देखते हैं. क्या आप जानते हैं आम के इस लटकते हुए फैट को बैट विंग्स बुलाते हैं? अब बैट विंग्स को किल करना है तो अगली एक्सरसाइज का नाम है चिकन विंग्स. जी हाँ, चिकन विंग्स आप खाते हैं या नहीं खाते मुझे नहीं पता, बट ये एक्सरसाइज करनी लाजमी है. आइए साथ साथ करते हैं. कुछ नहीं, सिर्फ अपने आर्म्स को ऐसे नहीं, थोड़ा सा नीचे रखना है और इन बॉटल्स को ऐसे रखना है और अपने आर्म्स को फ्लेक्स करना है एल्बोज को लॉक करते हुए. अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे और इस एक्सरसाइज को जारी रखेंगे. बहुत ज्यादा बर्न फील हो रहा है. चलिए साथ साथ करते हैं. 1, 2, 3, 4. वाओ. 5, 6, 7, 8. बर्न फील हो रहा है ना आप लोगों को? मुझे भी. लास्ट. 10. Well done.
एक्सरसाइज बड़ी ही इजी है। आपको पता है आर्म्स में बहुत ज्यादा सेलुलाइट होता है कुछ लोगों के, और उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनकी जो मसल होती है वो लूज हो जाती है। अब मसल को टाइट करना है तो आर्म के फ्रंट वाले पार्ट को और बैक वाले पार्ट को टोन करना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं फोर्थ एक्सरसाइज, बहुत ही ईजी है। इस तरह से इतने डिस्टेंस, 1 फीट के डिस्टेंस पे हम खड़े हो जाएंगे और अपनी बॉटल्स को, अपने बैक को पहले स्ट्रेट रखेंगे और बॉटल्स को ऐसे, और फिर अपने दोनों आर्म्स को एकदम टाइट करते हुए सिर्फ एल्बो से लिफ्ट करेंगे। पूरे आर्म को ऐसे नहीं लिफ्ट करेंगे, सिर्फ इतना लिफ्ट करेंगे बस। बहुत टाइट रखिए अपने आर्म्स को। आइए साथ साथ करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, I can feel the burn, 6, 7, 8, 9, and 10, well done, बस साइड में टर्न हो जाइए। आर्म की मूवमेंट तो आपको पता है, लेग को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, बैक को इतना तक झुका दीजिए, और अब हम अपने बैक पार्ट ऑफ द आर्म्स के लिए करेंगे। आइए साथ साथ करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. वेल्थ, लेकिन उस हेल्थ को सवारने के लिए लैंग्वेज इज नो बैरियर। अब हमारा चैनल हिंदी ही नहीं, इंग्लिश में भी उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो वेट लॉस विद नताशा मोहन जल्दी से जाके सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को क्लिक करिए, क्योंकि अब मैं सिर्फ हिंदी में ही नहीं, इंग्लिश में भी आपके लिए नए नए तरह के वीडियोस लेके आऊंगी। प्रॉमिस, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ फैट कट ऑफ फूड्स की लिस्ट जो आपका आम फैट कम करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। सबसे पहले आपको अपनी डेली डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी होगी। इसके लिए आपको लो फैट मिल्क लेना है, फुल क्रीम या फुल फैट मिल्क को अवॉइड करना है, और उसी दूध का अगर आप पनीर लेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, बिकॉज पनीर इज ऑल्सो हाई इन प्रोटीन। तो ये तो हो गए 2 फैट कट ऑफ फूड्स, मिल्क एंड पनीर। बाकी के देखने हैं ना, आइए इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मिलते हैं। मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक यहाँ पे मेंशन्ड है, और तो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, उसको क्लिक करके मुझसे आके वहां पे मिलिए और जानिए बाकी के फैट कटर फूड्स के बारे में। चाओ।